हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे एसएससी के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था चैनल पे, तो इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा था। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाली थी। किसी ने बोला, सर व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मीन्स अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आपने खुद का ऑफिस खोला है। कुछ लोगों ने ऑफिस खोला है और उनको ग्रो करना है, तो थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल ग्रो करेंगे, अगर वो सिस्टम से ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी वो एक ब्रांड बनेंगे। और अगर किसी बच्चों को कोई साइट पे जॉब कर रहा है, परेशान हो गया साइट की जॉब से, वो खुद को एक ब्रांड बनाना चाहता है, खुद की कंपनी बनाना चाहता है, तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर दैट, यही आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बिल्डिंग जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप कंस्ट्रक्ट करते हो बिल्डिंग को। सेकेंड पार्ट आता है आपका डिजाइनिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो जरूरत नहीं होती है, एक अच्छा मिस्त्री जो आपका कंस्ट्रक्शन करता है, उसके साथ 4 to 5 लेबर्स चाहिए होते हैं, कुछ मशीनों की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडिंग की जरूरत होती है और मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर इतनी चीज़ें हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन जब हम डिजाइनिंग स्टफ की बात करते हैं तो डिजाइनिंग में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें फोकस करके देखना पड़ता है। सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए फंक्शंस पे, मीन्स आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो किस पर्पज से कर रहे हो, पर्पज क्या है आपका कंस्ट्रक्ट करने का, क्या आप स्कूल बना रहे हो, क्या आप हॉस्पिटल बना रहे हो, क्या कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, या आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो। तो आप सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ योर बिल्डिंग्स। सेकंड थिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। क्यों? क्योंकि आपको लोकेशन के हिसाब से ही डिजाइनिंग करनी होती है। लोकेशन के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमको पूरा का पूरा प्लानिंग तैयार करना होता है। तो लोकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके का फंक्शंस होने वाला है, दूसरा आपने देखा कि लोकेशन क्या होना चाहिए, तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीगल एक्शंस। लीगल में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कैसी परमिशंस लेनी है, मीन्स अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ के लोकल नगर महापालिका से, अगर आप किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास हो तो आप मतलब सिटी में हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको, जैसे कि मान लीजिए आप लखनऊ में है तो आप वहाँ पे लखनऊ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर महापालिका है वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा, एक दिन मैंने आपको रेरा के बारे में बताया था, रेरा के कुछ रूल्स हैं जिन रूल के अकॉर्डिंग हमको अपने बिल्डिंग के डिज़ाइन को करवाना होता है, नहीं तो अप्रूव नहीं करते। ये सारे लीगल एक्शंस देखने के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज आर्किटेक्चर स्टफ्स। आर्किटेक्चर में क्या होता है दोस्तों, आर्किटेक्चर में हम लोग क्लियर करते हैं कि हम कैसी प्लानिंग करने वाले हैं, किस तरह का लेआउट करने वाले हैं, किस तरह से हमारी बिल्डिंग का एस्थेटिक व्यू दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं किसके अंडर में, आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर के अंडर में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टफ्स। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं उसमें कितने कॉलम्स लगेंगे, कितने बार लगेंगे, उसकी जीए ड्राइंग कैसे बनेगी, जीए ड्राइंग के साथ उसमें जो बार लग रहे हैं बार का साइजेस क्या होंगे, कॉलम जो लग रहे हैं कॉलम का साइजेस क्या होगा, बीम सिंगली होगी कि डबली होगी, ये सारी चीज़ें। फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, तो जब फाउंडेशन की बात आती है तो आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जो डिजाइनिंग के बाद आपको देखना चाहिए, दैट इज जियोटेक्निकल। वहाँ पे आपको जियोटेक्निकल कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जियोटेक्निकल चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी पड़ती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आप देखते हो कि उसकी SBC क्या है, उस इन्वायरमेंट की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद उसको टेस्ट करने के कई ढेर सारे मेथड हैं, प्लेट लोड टेस्ट है, SBC है, ट्राइएक्सियल टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, फिर आप क्लियर कर पाते हो कि कौन सी हम लोग
फाउंडेशन देखने वाले, मतलब कौन से फाउंडेशन का हम लोग डिजाइनिंग करने वाले थे। जब आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कि वहां पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग्स कैसे कैसे करने वाले हो, क्यों, क्योंकि वहां पे पाइपिंग जाएगी, आपको फायर का पाइप लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वाटर का क्या सप्लाई करने का सिस्टम देना है, वहां पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स कहां पे देने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज जब आपकी क्लियर होती है तब आप वहां पे देखते हो वहां पे लाइटिंग का क्या आपने अरेंजमेंट किया है, सोलर पैनल लगवाया होगे कि नहीं लगवाओगे, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है। इस तरीके से सब कंप्लीट करने के बाद जो सबसे लास्ट में स्टेप आता है दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप देखते हो कि वहां पे जो आपने चीजें लगवाई हैं उनमें कौन कौन से चीजों को किस टाइम पे सर्विस देने की जरूरत है, जैसे कि आपने अकॉर्डिंग टू लॉ आपने लिफ्ट लगवाए हैं, ठीक है, अब लिफ्ट को कितने महीने के बाद मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको फिर देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेरा के एक्ट में दिया गया है कि आपको 5 ईयर्स तक कोई भी बिल्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपका जो कॉन्ट्रेक्टर है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है कि मेंटेनेंस कब करना है और कैसे करना है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए क्या अरेंजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें एक बिल्डर का काम होता है। तो अगर आप बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से आप जाइए, रेरा के तरीके से जाइए। रेरा आपके इंडिया में 19 स्टेट्स में आ चुका है, जो कि मैक्सिमम चांस है कि आपके भी स्टेट में आ चुका होगा, कुछ जैसे कि तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यही 2-3 जगह है जहां पे अभी रेरा आपका एक्ट नहीं लागू हुआ है, बाकी सभी जगहों पे रेरा आपका चल रहा है। तो रेरा के थ्रू आप बिल्डिंग को बनाएंगे, उसके स्क्रॉ अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को देख कर एक प्रिंसिपल के साथ आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे से ग्रो करोगे, आपका जो काम होगा ना प्रोफेशनल ग्रो होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब रेरा में जो कि रिव्यू का फाइल बनता है उस रिव्यू में आपका रिव्यू देखा जाता है कि आपने कैसे सर्विस दी है, आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल को अगर अच्छे से करके रखोगे तो डेफिनेटली ये पक्का मानिए कि सबसे ज़्यादा लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं किए हों खुद को रेरा में, वो रजिस्टर्ड भी करें और साथ ही साथ इन रूल्स को फॉलो करके आप एक अच्छे तरीके से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिला है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर ये चीज़ मेरे लिए नया था। डेफिनेटली मैं आगे भी आपका अगर कोई क्वेरी है तो डालिए यहाँ बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना के दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।